हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब तलाक के बाद किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कस्टडी किसको दी जाती है। जब भी किसी बच्चे का जन्म एक ऐसे समय पर होता है जब बच्चे की माँ का बच्चे के पिता से तलाक हो चुका होता है और बच्चा पति का ही वैध बच्चा होता है, तो पति और पत्नी के बीच विवाद पैदा हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चे की कस्टडी का सवाल होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे बच्चे की कस्टडी किसको दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह के बच्चे की कस्टडी के लिए क्या कहता है हमारा कानून। जानेंगे शुरू से आखिर तक, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर कोई बच्चा 5 साल या फिर उससे कम आयु का बच्चा हो तो उसकी कस्टडी उसकी माँ को दे दी जाती है। केवल उन मामलों में जहाँ पर पति ये साबित कर सकता है कि जो पत्नी है वो बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर सकती, फाइनेंशियल इतनी स्टेबल नहीं है, तो कुछ खास कंडीशन में पति को ही बच्चे की कस्टडी दे दी जाती है। वरना तो कानूनी रूप से जो अभिभावक होती है वो माँ ही होती है। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें हिंदू कानून की, तो हिंदू विवाह अधिनियम एक बच्चे की कस्टडी को कानून के हिसाब से बताता है, जिसमें कि बच्चे की उचित रख रखाव यानी कि उसकी देखभाल, और दूसरा ये कि बच्चे की शिक्षा और उसका कल्याण, इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है। कोर्ट भी टाइम टू टाइम बच्चे की कस्टडी में चेंजेस लाती रहती है या फिर उसको रद्द भी कर सकती है। 5 साल की उम्र तक बच्चे की जो प्राकृतिक अभिभावक होती है वो माँ ही होती है, भले ही बच्चा लड़का हो या फिर लड़की हो। बच्चे को 5 साल की उम्र के बाद पिता को बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माना जाएगा और उसके बाद माँ को। तलाक के मामले में जहाँ बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वहाँ पर कोर्ट कस्टडी के मामले में निर्णय लेने से पहले बच्चे की इच्छाओं के बारे में जानती है, क्योंकि पिता परिवार का ब्रेडविनर होता है और बच्चे की देखभाल करने के लिए जो उसके पास फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो माँ से अच्छा माना जाता है। तो बच्चे की कस्टडी बच्चे की इच्छा के अनुसार माँ या फिर बाप को दे दी जाती है। कोर्ट में अगर ये साबित हो जाए कि बच्चे का जो पिता है वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता या फिर ऐसे तरीके से कार्य करता है जो कि बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो सकता है, तो बच्चे की कस्टडी पूरी तरह से माँ को दे दी जाती है। और इस तरह के मामले में जहाँ पर ये प्रूफ किया जा सकता है कि माँ बच्चे को उचित देखभाल नहीं कर सकती या फिर फाइनेंशियल स्टेटस उसका अच्छा नहीं है, और तो जो नवजात शिशु होता है उसकी कस्टडी उसके बायोलॉजिकल फादर को दे दी जाती है। वहीं अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ दो अलग अलग स्कूल्स की बात करता है। पहला है हनाफी स्कूल, वो ये बताता है कि किसी भी माँ को एक लड़की की कस्टडी तब दे दी जाती है जब तक वो युवावस्था में ना पहुँच जाए, और एक लड़के की कस्टडी किसी भी माँ को तब तक दी जाती है जब तक कि वो 7 साल का ना हो जाए। वहीं अगर बात करें सैफी और मलिकी स्कूल की, तो इसमें कहा गया है कि किसी भी माँ को उसकी लड़की की शादी तक लड़की की कस्टडी मिलनी चाहिए। माँ को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने पति से तलाक लेने के बाद भी अपने बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकती है, लेकिन कानून भी इसके लिए कुछ कंडीशन रखती है जिसके अंतर्गत कोई भी माँ बच्चे की कस्टडी को खो सकती है। और वो कंडीशंस होती हैं कि बच्चे को पिता के जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उससे दूर रखना, अपने बच्चे की उपेक्षा करना, उसकी उचित देखभाल ना करना, उसमें नाकाम रहना। मुस्लिम लॉ के तहत बच्चे को पालने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें अगर हम बेबी चाइल्ड की बात करें तो माँ को उसका युवावस्था तक उसका अभिभावक माना जाता है, जब तक कि लड़की युवावस्था तक ना पहुँच जाए माँ को ही उसका अभिभावक माना जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ पर बच्चे की देखभाल करने में माँ बहुत ही असमर्थ है, पिता को उसका प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मान लिया जाता है। कई ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें कि महिला के रिश्तेदारों को बच्चे की कस्टडी दे दी जाती है, जैसे कि वो रिश्तेदार हो सकते हैं बच्चे की माँ की माँ यानी कि उसकी नानी, पिता की माँ यानी कि दादी, उसकी बहन, बहन की बेटी, मामी या फिर उसकी चाची। और अगर इनमें से कोई भी बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो पिता साइड के जो अभिभावक होंगे बच्चे की कस्टडी उसको दे दी जा सकती है, जैसे कि उसके पिता, पैतृक दादाजी, भाई या फिर भाई का बेटा।
वहीं अगर हम बात करें ईसाई और पारसी कानूनों के तहत क्या कहता है कानून, तो भारतीय तलाक अधिनियम 1969 उन कानूनों को पेश करता है जो सभी धर्मों को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से ये कानून ईसाई, पारसी या फिर इंटर रिलीजन मैरिजेस पर लागू होता है। इसमें अगर हम बात करें बच्चे की कस्टडी के बारे में, तो कोर्ट बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद बच्चे के माता पिता को उसकी कस्टडी देती है। माँ या बाप जो भी उनमें से ज़्यादा कैपेबल होगा बच्चे की देखभाल करने के लिए, उसको उसकी कस्टडी दे दी जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ पर तलाक के बाद बच्चा पैदा होता है, माँ को ही बच्चे की कस्टडी दी जाती है, क्योंकि बच्चे को माँ के प्यार और देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए जब तक वो 5 साल की आयु तक ना हो जाए, माँ को सबसे ज़्यादा उपयुक्त अभिभावक माना जाता है। लेकिन अगर कुछ कंडीशन में पिता ये साबित कर दे कि बच्चे की परवरिश सबसे अच्छा उसका पिता कर सकता है, तो कोर्ट पिता को भी उसकी कस्टडी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि अगर तलाक के बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी कस्टडी किसे दी जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।